यूपी जब तक से मैं असलम सिद्दीकी। मैं आज पहुंचा हूं महाराजगंज जिले के सिसवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। ये जो कोरोना का दौर चल रहा है, मजदूर बड़े शहरों से अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, यानी वापस आ रहे हैं, इनकी संख्या काफ़ी है। सिसवां पीएचसी अंतर्गत 77 ग्राम सभाएं आती हैं और पिछले 1 मई से आज 22 मई के बीच लगभग 6000 लोगों की जांच हो चुकी है और उन्हें होम क्वारंटीन के लिए आदेश दिया गया है कि वो घरों में रहें, अलग थलग रहें, लोगों से दूरी बना के रहें। लेकिन कुछ इसके नियम भी हैं, तो हम आज बात कर रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से। वो बताएंगे कि होम क्वारंटीन कैसे करें। डॉक्टर साहब, ये होम क्वारंटीन के जो आदेश हैं वो कैसे करना है लोगों को? सबसे पहले धन्यवाद आपको। होम क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि जो भी मरीज हमारे दूर शहरों से या दूर प्रदेशों से या दूसरे शहरों से आ रहे हैं, उनके द्वारा दूसरे मरीजों में या लोकल के कम्युनिटी में यह रोग ना फैले, इसके बचाव के लिए होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है। होम क्वारंटाइन जो कराया जाता है, इसके कुछ नियम और शर्तें भी हैं जिसको हम सभी को पालन करना है, जैसा कि ऊपर से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है। होम क्वारंटाइन में जो व्यक्ति बाहर से आया है उसको अपने घर पे 21 दिन के लिए रहना है, तो उसके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था की जाती है। उसमें घर का कोई एक सदस्य जो है उसको जो उसकी डेली नीड की चीज़ें हैं वो देता है। परिवार के उस सदस्य को केवल सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। जब भी वो बाहर जाए तो मुंह पे कपड़ा ढक करके, मास्क लगा करके जाए। आने से पहले, आने के बाद हाथ को धुले। यह होम क्वारंटाइन के बेसिक नियम है। अगर ऐसा लगता है कि वो यह इसका फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसके लिए प्रशासन द्वारा मदद ली जा सकती है। इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। यह चीज़ें इसलिए की गई हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं ये बढ़ेगी। इसके लिए निगरानी करने के लिए निगरानी समिति भी बनी गई है, जिसमें आशा प्रधान टोटल 11 सदस्य हैं जो इसकी निगरानी करते हैं और यह देखते हैं कि यह इनके नियमों का पालन करता है या नहीं करता है। नहीं करता है तो पालन करने का प्रयास करते हैं। प्रयास अगर नहीं करता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए भी हम लोग उनको बताते हैं कि भाई इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और उस पर FIR करने का भी ऊपर से निर्देश है। अभी तक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विगत 1 मई से अब तक लगभग प्रतिदिन 400 से 500 लोग सुदूर ग्रामीण और शहरों से आ रहे हैं, जिनका हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जिन मरीजों को लगता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है उनको हम लोग पैरासीटामॉल की गोली, कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उनको चिन्हित करते हैं और उनके मोबाइल नंबर के द्वारा उनसे उनकी हालचाल भी लेते रहते हैं। आशा ANM जो निगरानी समिति की सदस्य हैं उनको भी निर्देशित किया जाता है कि ऐसे लोगों को प्रतिदिन जा कर के देखें, कम से कम 3 दिन पे एक बार हमारी आशा जा कर देखें। अगर कुछ ऐसा लगता है, संदिग्ध है, तो उसकी सैंपलिंग कराएं और संदर्भित करें महाराजगंज के लिए। डॉक्टर साहब, ने होम क्वारंटीन के जो नियम हैं यानी जो आदेश आए हैं उस संदर्भ में आपको बताया, आपकी निगरानी भी हो रही है। आप ये ना समझें कि आप होम क्वारंटीन में हैं और जहाँ चाहें आप चले जाएं। अगर इस तरह की हरकत आप करते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। चूँकि यह जो बीमारी है ये छुआछूत से है, इसलिए सरकार बार बार कह रही है कि मास्क लगा के रहें, एक दूसरे से दूरी बना के रहें। जो लोग होम क्वारंटीन कर रहे हैं, जो ये आशा हैं, ये भर कर ये जो पंपलेट है इसमें तमाम नियमावली है किस तरीके से उन्हें होम क्वारंटीन करना है, फिर अगर कोई समस्या आती है तो कैसे उच्च अधिकारियों से संपर्क, इसमें नंबर हैं और जो सुरक्षा के उपाय जो हैं होम क्वारंटीन के दौरान वो भी इसमें हैं। ये आशा उनके घरों पर चपकाएंगी। आप भी इसे पढ़िए, क्या क्या दिशा निर्देश हैं और उसका पालन आप करिए। ऐसे में आप लोग इस समय बचाव करें,
क्योंकि यह रोग जो है वो अगर बचाव नहीं करेंगे तो फैलता चला जाएगा। सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें और अपने ज़िंदगी को सुरक्षित रखें। आप देखते रहिए यूपी अब तक।